चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम की। और फ्रॉग में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा कैसा होगा, क्लोज होगा। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज का मतलब होगा कि इसका ब्लड जो है वो वेसल्स में बहेगा, हार्ट के थ्रू पंप होगा। ये नहीं होगा कि ये पूरा एक कैविटी है उसके अंदर सारे ऑर्गन्स बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे दो तरीके का आपका सिस्टम मिलेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरा आता है लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ आएगा, लिम्फ चैनल्स आएंगे, लिम्फ नोड्स आएंगे, लिम्फ चैनल यानी लिम्फ वेसल्स वगैरह, लिम्फ चैनल आ जाएंगे और लिम्फ नोड्स आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड आएगा, आर्टरीज आ जाएंगी, वेन्स आ जाएंगी और कैपिलरीज आ जाएंगी। अगर आपको पता हो, आपने अपना तो सिस्टम पूरा पढ़ा होगा, अगर आपको आपके ब्लड के बारे में पता हो तो आपका ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि इसका भी होगा, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। प्लाज्मा जो होता है वो 98% या 92% के करीब उसमें वाटर होता है, सोडियम पोटेशियम आयंस है, यानी कि आपके सॉल्ट्स होंगे, इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होंगे, तो ये लिक्विड स्टेट होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, आप उससे करके पढ़ सकते हैं, दो चार चीजें अलग होगी वो हम यहाँ बनाएंगे। कॉर्पसल्स जो होती है वो यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड है, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स यानी कि और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? तो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज। हमारे अंदर एरिथ्रोसाइट्स होती हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, बाई कॉनकेव शेप होती हैं, जबकि यहां ये बात याद रखने वाली है, इस पॉइंट को नोट करेंगे आप, कैसी होती है, यहां न्यूक्लिएटेड है और बाई कॉन्वेक्स है। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन यहां भी है और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन हमारे अंदर भी होता है। हीमोग्लोबिन एक ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसों को एक्सचेंज कर कैरियर, उसको कैरियर के लिए जाएगा। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा आर्टरीज आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे जाएगी, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कैपिलरीज बीच बीच में डिफ्यूजन में काम करेगा। लिम्फ क्या होता है, अगर आप लिम्फ को समझे तो ब्लड के प्लाज्मा में से अगर लार्ज प्रोटीन निकाल दो, साथ ही साथ आरबीसी हटा दो और प्लेटलेट्स हटा दो, तब जो जो कुछ भी पार्ट बचेगा उसे क्या कह देते हैं, लिम्फ कह देते हैं। और लिम्फ भी पूरा लिम्फ नोड्स में जो होता है ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ लिम्फ नोड में लिम्फ का फॉर्मेशन भी होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कॉर्पसल्स की, ये कॉर्पसल्स कहाँ बनती है, तो कॉर्पसल्स लार्ज बोन्स में बनती है, इसके अंदर भी बोन मैरो के अंदर ही बनेगी, आपके अंदर भी बोन मैरो में ही बनती है। दूसरी बात, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो वहां तो बोन मैरो है नहीं, तो वहां कौन बनेगा, लिवर और स्प्लीन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉर्पसल्स कहां बनती है, लिवर एंड स्प्लीन। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि लिवर और स्प्लीन कहां पर होते सिचुएटेड और ये बनाएंगे क्या, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से प्लेटलेट्स। मेनली आरबीसी का फॉर्मेशन आपका लिवर और स्प्लीन में हो जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये हमने आपको एक जनरल व्यू दे दिया कि ब्लड में और लिम्फ में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे बना होगा। अब हम लोग इसी का सर्कुलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि क्लोज सर्कुलेशन तो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, हमारी फ्रॉग की वो सारी चीजें देखेंगे। चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। यहां हमने आपका फ्रॉग का हार्ट बनाया हुआ है। फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो थ्री चेंबर होता है, याद रखिएगा, फिशेस में दो चेंबर, फ्रॉग में और रेप्टाइल्स में थ्री चेंबर, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में थ्री चेंबर और बर्ड्स और मैमल्स में फोर चेंबर होता है। तो यहाँ दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल है, दो तरफ से हमने बनाया हुआ है। देखिए इसको आपको अगर पूरा देखना होगा तो दो पार्ट में देख पाएंगे, डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू पीछे की तरफ से, यानी कि डॉर्सल व्यू जो है वो हमने ये बनाया हुआ है और वेंट्रल व्यू जो है वो ये बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं एक ही है हार्ट लेकिन दो पार्ट में हमने बनाया है। पीछे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, आगे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। आप जरा देखिए गौर से, दो ऑरिकल है इसमें,
ऊपर दो एट्रियम है या ऑरिकल दो एट्रियम से मिल रहा है और एक कॉमन वेंट्रिकल, यानी कि और दोनों ऑरिकल एक दूसरे से अलग है इंटर ऑरिकुलर सेप्टा के थ्रू, यानी कि एक सेप्टा है इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल को अलग अलग करता है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी राइट ऑरिकल ये दिख रहा है लेफ्ट ऑरिकल ये, ठीक। इसके अलावा देखिए हमारे अंदर चार चेम्बर है, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, इसमें दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है, इसके अलावा इसमें दो एक्स्ट्रा चेम्बर होते हैं वो कौन है साइनस वेनोसस। अगर आप डॉर्सल साइड से देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा चेम्बर इस पे चिपका हुआ होता है साइनस वेनोसस, और वेंट्रल साइड से देखेंगे तो कोनस आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस इसे कहते हैं। ये एक्स्ट्रा दो चेम्बर और होते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी कि डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू पीछे से। जो साइनस वेनोसस है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से आता है, लेफ्ट प्री केबल राइट प्री केबल और पोस्ट केबल, ये जो वेन्स हैं ये ब्लड को लेके आ जाती हैं इसमें साइनस वेनोसस में। और साइनस वेनोसस जो है वो साइनो ऑरिकुलर अपर्चर के थ्रू खुलता है अंदर की तरफ, जैसे कि अगर आप इसको खोल के देखें ये हार्ट है तो अंदर की तरफ से खोल के देखेंगे पीछे से तो एक छोटा सा छेद इसमें अंदर की तरफ से एक छेद होता है, वो छेद किसमें खुलता है राइट ऑरिकल में, और उस छेद को क्या कहते हैं साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। याद रखिएगा इसका जो ओपनिंग है वो हम कहां से निकाल, यहां से निकाल देते हैं, यहां पे ऐसे मान लीजिए ये राइट साइड में इस ओपनिंग के थ्रू खुल रहा है, इस ओपनिंग को क्या कह देते हैं साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। ठीक है, साइनो ऑरिकुलर अपर्चर कहते हैं इसे, और इसके थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा कहां भेज देगा राइट ऑरिकल। आपके भी अंदर तो राइट साइड में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, इसमें भी यही होता है। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू ये सारा ब्लड जो है ये नीचे की तरफ पहुंचेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर ये सेप्टा क्या कहलाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अगर आपने अपना हार्ट पढ़ा होगा तो ये सब पहले ये देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा है, ठीक। इसके थ्रू ऊपर वाला ब्लड नीचे की तरफ आएगा और यहां पे वॉल होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, क्लियर है। इसके थ्रू ब्लड कहां आ गया यहां लेफ्ट साइड में, अगर आप देखें लेफ्ट ऑरिकल यहां पे अगर आप देखें तो पल्मोनरी वेन जो है ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही कहां लेफ्ट साइड में यहां पे, और लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर है और इसके थ्रू ब्लड कहां आ रहा है नीचे वेंट्रिकल में आ रहा है, यानी वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड कैसे हो जा रहे हैं मिक्स हो जा रहे हैं, और मिक्स होने के बाद अब यहां से ये ब्लड जब पंप होगा वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो वो कहां कर देगा वो यहां करेगा किसमें ट्रंकस आर्टेरियोसस में, ट्रंकस आर्टेरियोसस में ये ब्लड जाएगा वेंट्रिकल से, यानी मिक्स ब्लड कहां से जाएगा ट्रंकस आर्टेरियोसस, और यहां से होता हुआ एओर्टिक ट्रंक और एओर्टिक ट्रंक से पूरी बॉडी में ये भेज दिया जाएगा। अभी पूरा सिस्टम हम बताने जा रहे हैं, इंटरनल पार्ट में भी आप देखिएगा, पहले आप थोड़ा सा समझिए। ट्रंकस आर्टेरियोसस जो होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है इसमें भी यहां पर सेमीलूनर वॉल्व होते हैं, तीन सेमीलूनर वॉल्व होते हैं, कितने वॉल्व हैं तीन सेमीलूनर वॉल्व होते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस में, और एक यहां पे स्पाइरल वॉल्व भी होता है, ऐसे करके स्पाइरल वॉल्व भी है दिया। तो जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है ये तीन दो पार्ट में पहले डिवाइड होगा, पाइलेंजियम और सिनेंजियम, पाइलेंजियम और सिनेंजियम, ठीक है। तो पाइलेंजियम और सिनेंजियम दो पार्ट में डिवाइड होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस, आगे वाला पाइलेंजियम ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो है ये सिनेंजियम, क्लियर हो गई बात, ये याद रखिएगा। हमने बात करी किसकी साइनस वेनोसस की और ट्रंकस आर्टेरियोसस की, पहले ट्रंकस आर्टेरियोसस को एक्स्ट्रा जो चैम्बर है दो, पहले ट्रंकस आर्टेरियोसस को हम समझाए दे रहे हैं पूरा। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस दो पार्ट में हो गया पाइलेंजियम और सिनेंजियम में, पाइलेंजियम और सिनेंजियम में, पाइलेंजियम जो होता है उसमें हमारे तीन सेमीलूनर वॉल्व, कितने तीन सेमीलूनर वॉल्व है, वो कैसे हैं वो रो
ऐसे एक फिर दो और फिर ये तीन सेमी वॉल्व क्लियर। और इसमें एक आपका स्पाइरल वॉल्व भी है ये कुछ इस तरीके से ट्विस्टेड स्पाइरल। इस तरह से आपका पाइलेंजियम का ये वाला रीजन है इसमें आपके ये वॉल्व है। इसके बाद सिलेंजियम का ये वाला पार्ट शुरू हुआ, ये वाला पार्ट पाइलेंजियम का है और ये सिलेंजियम का है। ठीक समझ में आगे बढ़ते हैं। इससे इसमें भी दो चैम्बर हो जाते हैं। अब जो दो चैम्बर हो रहे हैं क्योंकि यहां पे आपका ज्यादा लिख गया है तो हम इसको थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले आपको हम कुछ चीजें और बता देते हैं। आपने कहा साइनस वेनोसस है ये वाला जो चैम्बर है, साइनस वेनोसस कहते हैं, यानी सारा का सारा ब्लड आ गया साइनस वेनोसस में और साइनस वेनोसस में साइनो एट्रियल अपर्चर ऐसे ही साइनो एट्रियल पैच होता है जिसे हम क्या कह देते हैं पेस मेकर कहते हैं। तो साइनस वेनोसस में पेस मेकर होता है जिससे ये सिग्नल आएगा कि अब तुम पंप करने के लिए तैयार हो जाओ। तो पहले साइनस वेनोसस से सारा ब्लड पंप होगा किसमें जाएगा राइट ऑरिजिन। ये क्या सा ब्लड है डी ऑक्सीजन ब्लड और पल्मोनरी वेन लेके आ रही है लेफ्ट ऑरिजिन में, वो तो पहले ही लेफ्ट ऑरिजिन में पहुंच रहा है। तो लेफ्ट ऑरिजिन और राइट ऑरिजिन में अब ये सिग्नल पहुंच चुका है लेफ्ट और राइट ऑरिजिन की तरफ, पहले साइनस वेनोसस फिर उससे लेफ्ट और राइट ऑरिजिन में सिग्नल पहुंचा। अब लेफ्ट और राइट ऑरिजिन दोनों दबे, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी सिस्टोल, जब ये दोनों सिस्टोल कंडीशन में आएंगे तो ये ब्लड कहां आ गया नीचे की तरफ आ गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में कैसा ब्लड हो गया ये इधर से लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड आया था, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड आया था, दोनों यहां मिक्स हो गए मिक्स ब्लड। अब जब ये पंप करेगा जब ये यहां पे सिस्टोल होगा तो ये कहां गया ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस या कोनस आर्टेरियोसस, और इसके थ्रू ये ब्लड कहां चला गया एओर्टिक ट्रंक में, और एओर्टिक ट्रंक में ये तीन अलग अलग जगहों में जाएगा। अब उनको आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं फिर पूरा हम सर्कुलेटरी सिस्टम आपका समझा देंगे कैसे होता है। यहाँ पे हमने आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है, जो आपके हार्ट का यहाँ पे फ्रॉग के हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे हम दिखा देते हैं। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको यहाँ सेप्टा मिल रहा है एट्रियल वेंट्रिकल के बीच में, जिसे एट्रियल वेंट्रिकुलर अपर्चर कह रहे हैं या सॉरी सेप्टा कह देते हैं एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टा, और यहीं पे अपर्चर आएगा ये सेप्टा एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टा, और यहाँ पे साइनो ऑरिकुलर अपर्चर आ जाएगा। आपको बताया साइनस वेनोसस में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है राइट ऑरिकल में आएगा, तो अभी जो आपने इससे पहले दो डायग्राम देखे थे वहीं से साइनो ऑरिकुलर अपर्चर यहाँ खुलेगा और ये पल्मोनरी वेन की ओपनिंग से यहाँ दिखा दी है, ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई क्लियर। यहां से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया और ये पूरा का पूरा ब्लड नीचे आना चाहता है, नीचे आने के लिए इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर की जरूरत पड़ेगी और उसी में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व लगा होता है या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रिया या ऑरिकल एक चीज है, और इसी में यहाँ पे कॉर्डी टेंडिनी लगे होते हैं, ये फाइबर्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। कॉर्डी टेंडिनी, ये कॉर्डी टेंडिनी यहाँ पे जो फाइबर्स हैं ये लगे हुए हैं, ये इन मसल्स से जाके चिपक जाएंगे, इससे ये क्या होगा ऑरिकल खुलेगा और बंद होगा ठीक है। जैसे आपके भी होते हैं कॉर्डी टेंडिनी ऐसे इसमें भी होते हैं, बट यहाँ क्या दिक्कत है यहाँ आपका एक वेंट्रिकल है दो ऑरिकल है यहाँ एक वेंट्रिकल, अब यहाँ से जब ये पंप होगा तो ये तीन सेमी सर्कुलर वॉल्व है आपके, सेमी सर्कुलर वॉल्व किसके हैं पोस्टीरियर रो है, ये पोस्टीरियर रो होगी और इसी की ये एंटीरियर रो यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये वाला पूरा रीजन कहलाता है पाइलेंजियम। और इसके बाद ये ट्रंकस आर्टेरियोसस चल रहा है, ट्रंकस आर्टेरियोसस आगे की तरफ सिलेंजियम पीछे की तरफ पाइलेंजियम ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, इसी में एक स्पाइरल वॉल्व है, ये जो स्पाइरल वॉल्व है ये इसको दो पार्ट में बांट रहा है डॉर्सल पार्ट केवम ऑर्टिकम और नीचे वाला केवम पल्मोकुलेटर। अब ये जो ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ भी ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है ऑर्टिकम और पल्मोकुलेटर में, ये आगे की तरफ जाके ट्रंकस एओर्टिक ट्रंक में डिवाइड हो गया ठीक है, यानी जितना भी मिक्स ब्लड था वो यहां से आया, यहां से इन सबसे होता हुआ यहां पहुंच गया।
ये सारे वाल इसलिए लगे हुए हैं कि सिस्टमैटिकली ये पीछे की तरफ ये ना जा पाए, बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। अब क्या होता है, ये आपका जो एओर्टिक ट्रंक है, ये ब्लड यहां से और यहां से होता हुआ पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में कैरोटिड आर्ट पे, ये आपके किसके लिए जाएगी, कैरोटिड किसके लिए होती है, आपके ब्रेन में जाएगी। पल्मोक्यूटेनियस, पल्मोक्यूटेनियस पल्मो का मतलब भी आपको पता है लंग्स है, तो जो पल्मोक्यूलेटम जो है केवल पल्मोक्यूलेटम, ये ही पल्मोक्यूटेनियस में ज्यादातर इसका ही ब्लड जाएगा। और जो बचे दो, ये वाला केवम ऑर्टिकम है, केवम ऑर्टिकम से आपका कैरोटिड और सिस्टेमिक आर्ट में ब्लड जाएगा, ठीक है। सिस्टेमिक आर्ट यानी जो आपके बोन्स को जाएगा, जितना भी ब्लड सप्लाई होगा वो सिस्टेमिक आर्ट के थ्रू चला जाएगा, यानी कि आपका लंग्स का चला गया, ब्रेन का चला गया और सिस्टेमिक आर्ट के थ्रू पूरी बॉडी में बाकी ब्लड चला गया, और इस तरह से ये ब्लड का सर्कुलेशन हुआ उधर पोस्ट और प्री केवल वेन से सारा का सारा ब्लड आया था साइनस वेनोसिस में, ठीक है। तो साइनस वेनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस, ये दो एक्स्ट्रा चैम्बर इसीलिए है कि इस काम के लिए है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से मैं पूरा सर्कुलेशन आपको समझा दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर में यही होता है आपका सर्कुलेशन का पूरा पार्ट। अब हम एक सर्कुलेशन बना के आपको दिखा देते हैं, चार्ट वाइज आपको दिख जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल करने की बात की जाए कि हार्ट के रेट को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, और कहीं हद तक आपका जो साइनो ऑरिकुलर नोड है, यही पेसमेकर है, ये भी कंट्रोल करता है हार्ट के रेट को, और सिस्टोल और डायस्टोल को मिला के एक हार्ट बीट बनती है। ये पूरा आपका प्रोसीजर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब एक चार्ट और बना दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने आपका एक स्केच ड्रॉ कर दिया है, इस स्केच के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो कि कहां से कहां ब्लड जा रहा होगा। आप शुरू करो वेंट्रिकल्स से, नीचे की तरफ से जब ये ब्लड पंप होता है, या आप शुरू कर सकते हो ऑरिकल से, इन दो में से किसी एक से शुरू कर सकते हो। तो आप ये देखिए कि पूरी बॉडी से कहां कहां से, हेड से, लिम्ब से या ट्रंक से, स्किन से, साइनस वेनोसस ब्लड कहां लाके दे देती है, राइट ऑरिकल, और लंग्स से ये ब्लड कहां पहुंच जाता है, लेफ्ट ऑरिकल। तो दोनों राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में ये ब्लड पहुंच गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू और इधर साइनस वेनोसस के थ्रू ब्लड पहुंच गया है राइट और लेफ्ट साइड। अब ये राइट और लेफ्ट ऑरिकल जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के थ्रू ये वेंट्रिकल में दे देंगे अपने ब्लड को। फिर जब वेंट्रिकल पंप करता है तो वो दे देता है ट्रंकस आर्टेरियोसस को, और ट्रंकस आर्टेरियोसस से वही आर्क जो निकलती है एओर्टा वाली, एओर्टिक आर्क, उससे तीन आपको अभी हमने बताई थी, कौन कौन से बताई थी, सिस्टमिक कैरोटिड पल्मोनरी, सिस्टमिक कैरोटिड और पल्मोनरी नहीं थी, आप याद देखिए पीछे आपको बताया गया है। तो सिस्टमिक वाली जो होती है या क्रेनियम वाली जो होती है, कैरोटिड, कैरोटिड जाती है हार्ट को, फिर हेड या ब्रेन में, कैरोटिड हेड या ब्रेन में जाती है। इसके बाद सिस्टमिक वाली जो थी वो यहाँ पे चली जाती है, और तो तीसरी वाली बची थी पाइलेंजियम से जो जा रही थी वो वाला रीजन भी ये स्किन में चली जाती है, ठीक है, पल्मोक्यूटेनियस वाली, क्लियर। और फिर इन्हीं तीन से वापस से आएगा साइनस वेनोसस में, ठीक है, और उसके थ्रू ये पूरा ऐसे चल रहा है। वॉल्व्स आपको बताई दिए गए हैं, इससे पहले आपको सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। तो ये आपका पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया इसका, फ्रॉग का। अब बात कर लेते हैं कि क्या सारा ब्लड डायरेक्ट डायरेक्ट आपका साइनस वेनोसस में पहुंच जाता है हर एक बॉडी पार्ट से, तो ऐसा नहीं। इंटेस्टाइन और लिवर मिलके अपना ब्लड पहुंचाते हैं, सॉरी इंटेस्टाइन और स्टमक मिलके अपना ब्लड पहले पहुंचाते हैं लिवर को, और लिवर फिर जो है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, जैसे यहाँ पे पोस्ट केवल वेन थी आपके में, इंफीरियर वेना केवा होती है, तो पोस्ट केवल वेन के थ्रू आपका पहुंचाएगा साइनस वेनोसस में। तो साइनस वेनोसस में जो ब्लड पहुंचता है, अगर डायरेक्ट पहुंच रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पहले किसी दूसरे ऑर्गन में पहुंच रहा है, उस दूसरे ऑर्गन का ब्लड कोई दूसरा ऑर्गन लेके जा रहा है, यानी कि मान लो ये आपका स्टमक था और ये इंटेस्टाइन था और ये लिवर था, और इन सबको अपना ब्लड पहुंचाना था पोस्ट केवल वेन, किसमें, पोस्ट केवल वेन, ठीक है, तो उसमें पहुंचाना था। अब अगर पोस्ट केवल वेन में पहुंचाना है तो ये तो लिवर,
स्टमक डायरेक्ट इसको ना देखे, स्टमक कहता है भाई साहब आप हमारा ब्लड दे दो, इंटेस्टाइन कहती है आप हमारा ब्लड दे दो, और ये कहता है चलो ठीक है हम अपना तुम्हारा और सबका ले जाके इसमें डाल देंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरीके का सिस्टम कहलाता है पोर्टल सिस्टम, ये एक पोर्टल बन गया इसके थ्रू ये जा रहा है। ऐसे ही रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, ये किडनीज में मिलेगा रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इसमें मिलेगा स्टमक इंटेस्टाइन और लंग्स के थ्रू बनेगा। ठीक है, आपके अंदर कौन से पोर्टल सिस्टम होते हैं? तीन पोर्टल सिस्टम होते हैं, याद रखिएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम आपके अंदर नहीं होगा। रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ होगा? फ्रॉग में। आपके अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। इसी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम की भी ये वीडियो अब पूरी होती है। उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और जो बचे हुए पार्ट है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्किन का पार्ट हो गया है अभी, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया है। ये सारी चीजें आपको अगले वीडियोस में मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे।